बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए हैं बच्चों आपके लिए। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। बहुत ही इजी है और कंसेप्चुअल है, इसके अंदर पीछे बढ़िया कंसेप्ट है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना, ताकि एग्जाम्स में कभी आगे दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ़ द रिजिड रॉड फिटेड स्नगली बिटवीन द सपोर्ट्स एज सोन इन द फिगर। भाई एक रिजिड रॉड है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कोई रिजिड रॉड है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, इस एंड पे ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इज हीटेड, अब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर राइज किया जाता है, हीटेड टेम्परेचर राइज किया जाता है। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर राइज है, डेल्टा टी जो है 20 डिग्री है, तो उस केस में 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज है आपका, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन इट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेस कितना इसमें इंड्यूस होगा, लेकिन विल बी, ठीक है, कितना होगा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, थर्मल कोफिशियंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ई की वैल्यू इसने दे रखी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, ठीक। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर सेम चीज़ यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है, इसके लेंथ दे रखी है और इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अगर ये होता, इस तरह से अगर होता बार, ठीक है, इस तरह से होता और इसको टेम्परेचर राइज हम करते डेल्टा टी, ठीक है, स्प्रिंग इस पर नहीं लगी होती, इस केस में जो इस पर स्ट्रेस आएगा बेटा, वो आएगा थर्मल स्ट्रेस जो है ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेस तब प्रोड्यूस होता है जब इसकी जो एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इसमें हो रहा है, उसके मार्ग में कुछ क्या है, रुकावट आए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए, कुछ फोर्स इस पर लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट इज फ्री, बिकॉज इट इज फ्री टू एक्सपेंड, बिकॉज इट इज फ्री टू एक्सपेंड, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंड कर होने के लिए फ्री है, कोई रुकावट नहीं है इसके बीच में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, तो इस केस में क्या रहने वाला है वो देखते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जब स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो देखते हैं कि अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सपोज इसमें स्प्रिंग नहीं लगी होती, ठीक है, इसमें स्प्रिंग नहीं लगी होती है और ये सिंपली क्या है, आपका क्या है, बिल्कुल क्या करता, एक्सपेंड करता बिल्कुल मजे से, ठीक है। तो जो चेंज इन लेंथ, अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ, तो स्ट्रेन जो है थर्मल स्ट्रेन आपका होता है, वो क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन की बात करूँ तो थर्मल स्ट्रेन आपका होता है बेटा अल्फा डेल्टा टी, आप जानते हैं बिल्कुल, ठीक है, और थर्मल स्ट्रेन आप जानते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल। अगर ये फ्री टू एक्सपेंड रहता, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है फ्री टू एक्सपेंड, तो इफ फ्री टू एक्सपेंड, ठीक है, अगर ये फ्री टू एक्सपेंड है तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर ये फ्री टू एक्सपेंड है, ठीक है, तो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे इस यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, एल अल्फा डेल्टा टी, क्लियर, ये आपकी चेंज इन लेंथ आ जाएगी, क्लियर, एल अल्फा डेल्टा टी आपकी चेंज इन लेंथ आ जाएगी। आप जानते हैं कि लेंथ आपको कितनी दी जाएगी, 0.5 आपको दी हुई लेंथ, यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 मीटर आपकी लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, तो 0.5 हो गया आपका, इनटू अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा अल्फा, अल्फा है 12.5, दिस इज अल्फा 12.5 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है, 12.5, दिस इज 12.5 इंटू 10 के पावर -6 इंटू, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी में, डेल्टा टी वैसे भी आप डिग्री सेल्सियस में रखें किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है, 20 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डेल एल आपका निकलता है ये 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये आपका चेंज इन लेंथ निकलता है अगर ये फ्री टू एक्सपेंड है, क्लियर है। लेकिन क्योंकि ये फ्री टू एक्सपेंड नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज स्प्रिंग अटैच टू दिस बार, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसके लिए कुछ के की वैल्यू दे रखी है। अब क्योंकि सपोज हमने बोला कि जो इसके कारण थर्मल जो एक्सपेंशन इसका हुआ, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये कुछ यहाँ तक एक्सपेंड हुआ, सपोज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, दिस इज डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बोलो या डेल्टा एल बोलो, ठीक है, इसको हम बोला सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स क्यों बोला उसका भी पता लग जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि ये आपके पास स्प्रिंग है, ये आपके पास, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है बट्टा, स्प्रिंग है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी क्या रही, स्प्रिंग रही आपकी, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है। और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, आपने इस तरह से आपकी स्प्रिंग थी और इस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया। और फोर्स, फोर्स कैसे लगा भाई, देखते हैं कैसे लगा फोर्स। देखो हुआ क्या, जब ये पॉइंट यहाँ पे देख, स्प्रिंग का एंड था यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जो बार है आपका थर्मल एक्सपेंशन के कारण फ्रीली यहाँ पे जब एक्सपेंड हो रही है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण जब ये एक्सपेंड हो रही है, तो जब ये एक्सपेंड हुई यहाँ से यहाँ तक पहुँची इस पॉइंट तक, तो क्या हुआ, इतने इस पॉइंट तक, इसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक जब ये पहुँचा, इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो कोई फोर्स लगा होगा, दिस इज द F, सपोज मैंने कहा कि F फोर्स, इसने ये जो यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने इस पे स्प्रिंग पे F फोर्स लगाया, जिस फोर्स के कारण ये जो है स्प्रिंग जो है यहाँ से यहाँ तक आपकी स्प्रिंग जा चुकी है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक आपकी स्प्रिंग डिस्प्लेस कर चुकी है। और K इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट है, K, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों, K है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स इस पे लगेगा इस स्प्रिंग पे, ये कितना लगेगा, K x के बराबर लगेगा। और हम जानते हैं कि x हमारे पास क्या है, डेल्टा एल है, ठीक है, x क्या है, डेल्टा l हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस f की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे रखी है, k की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ से देख सकते हैं हम, k की वैल्यू हमारे पास 50 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 50 × 10³, ठीक है, ये आ गए न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। डेल्टा एल कितनी दे रखी है बेटा, 1.25 जो अभी निकाले हमने 10⁴। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा बच्चों 6.25 न्यूटन आपका निकल के आ गया। इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंड हुआ टेम्परेचर रेज करने के कारण, जो थर्मल एक्सपेंशन इसमें हुआ, उस थर्मल एक्स डिस्टेंस, जो डेल्टा एल जो डिस्टेंस थर्मल एक्सपेंशन हुआ, उसके कारण इसमें जो फोर्स लगा स्प्रिंग फोर्स, दैट वाज 6.25 न्यूटन। तो जितना फोर्स स्प्रिंग पे लगेगा उतना ही फोर्स ये स्प्रिंग क्या करेगी बेटा, इस बार पे भी उतना ही फोर्स स्प्रिंग इस बार पे भी लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी -6.25 न्यूटन, क्योंकि इस बार के लिए ये फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स का काम कर रहा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो बार के लिए अगर फोर्स की बात करें तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -6.25 न्यूटन लगेगा, जो कि क्या है अपोजिट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फोर्स अगर देखें तो इस फोर्स की टेंडेंसी इसको कंप्रेस करने की, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस आपका आएगा वो स्ट्रेस कितना आएगा बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की वैल्यू है -6.25 अपॉन एरिया कितना है बेटा, व्हाट इज द एरिया, एरिया आपका है π/4 × d² और डायमीटर आपका दे रखा है बच्चों, डायमीटर कितना दे रखा है, 10 mm आपका डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर आप रखते हैं यहाँ पे d², तो ये आपका फाइनली जो बनता है, ये आपका बनता है माइनस ऑफ 0.07945, क्योंकि ये आपका न्यूटन में है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपने किस में रखा, अगर हम यूनिट की बात करें तो ये आपने रखा था, ये आपने पर्टिकुलरली न्यूटन में रखा था, और ये आपका क्योंकि mm में है, दिस वन इज mm, तो mm² आप जानते हैं न्यूटन पर mm² आपका होता है, न्यूटन पर mm², और इसी को क्या बोल सकते हैं हम, मेगा पास्कल भी हम बोलते हैं। तो ये आपका माइनस, दिस वन इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस बार, क्योंकि ये बार जो है यहाँ पे, क्योंकि क्या कर रहा है, जो स्प्रिंग है ये रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रही है इसको एक्सपेंड होने के लिए, क्लियर है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये एक्सपेंड होना, इतने डेल्टा टी के कारण जितना एक्सपेंड होना था इसमें उतना एक्सपेंड अगर होती है तो क्या होगा, ऑब्वियस है क्या होगा, देखो स्प्रिंग तो इतना स्ट्रांग यहाँ पे है नहीं कि ये रोक पाए, ठीक है, लेकिन इसने एक्सपेंड हुआ, लेकिन हुआ क्या बच्चों, एक्सपेंड भाई हुआ पूरा जितना होना चाहिए था, तो हमने कंडीशन ली कि पहले स्प्रिंग नहीं थी, तो कंडीशन हमने ली स्प्रिंग नहीं थी, तो हुआ क्या, इतना ये इसमें क्या है, चेंज इन लेंथ होगा, और जितनी चेंज इसकी लेंथ में होगी, क्योंकि ये सेक्शन तो दोनों के लिए सेम है, दिस वन इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग एंड बार, ठीक है, तो इसमें जितना चेंज होगा इस तरफ वही स्प्रिंग के लिए भी उतना चेंज होगा, तो वहाँ से हमने फोर्स निकाल दी, स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, कितना फोर्स स्प्रिंग पे लगा, इसके कारण जितना स्प्रिंग पे लगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप स्प्रिंग इस पे भी लगाएगी, वही फोर्स इस पे अगर लग रहा है तो इसकी उस फोर्स के कारण जो इस बार में जो स्ट्रेस आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है वो हमने निकाली। तो आपका क्या आंसर आ गया बच्चों, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, बी आपका आंसर आ गया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो फाइनली हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, अगर हम स्प्रिंग को हटाएं तो हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है इस तरह से बन रहा है, इस पे एक एफ फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.05
6.25 न्यूटन का आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस स्प्रिंग के कारण क्या हो रहा है, स्प्रिंग का इफेक्ट दिखा रहा हम, 6.25 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है ये ड्यू टू स्प्रिंग लग रहा है, ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इसलिए इसमें जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा बच्चों, वो इसमें जो स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछा था इसने, स्ट्रेस इंड्यूस्ड आपका क्या हो गया, दिस वन इज योर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।